हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वॉम रविदास सर। तो भाई आज सीन कुछ ऐसा है, हमें हो गए 10-15 दिन अपनी बहन ली 600 आई के लिए सैडल स्टे देखते हुए, और भाई कहीं नहीं मिला। ऑनलाइन देख लिया, ऑफलाइन देख लिया, करोल बाग देख लिया, सब जगह देख लिया भाई। मतलब सैडल स्टे तो मिल रहा है लेकिन वो किसी और बाइक के हैं और फिटिंग वगैरह करके बना के उसके लगाने पड़ेंगे। तो फिर भाई हमने सोचा क्यों ना अपनी ड्यूक 390 के जो सैडल स्टे थे जो हमने निकाल लिए थे उसमें से उसका भी कुछ जुगाड़ करके देखें। तो अब मैं जा रहा हूँ रवि भाई के पास, उनसे बात करता हूँ कि भाई कुछ हो सकता है इनका, इनकी कोई फिटिंग हो सकती है या कहीं से ऐसे वेल्ड हो सकते हैं कि अपने बैनली 600 आई पे लग जाए, क्योंकि भाई रोड ट्रिप की डेट आ रही है करीब और जाने का टाइम आ रहा है पास और कुछ भी तैयारी नहीं है भाई। तो जल्दी से करते हैं सारे काम खत्म, और मुझे अपने जो सैडल बैग्स हैं उनको भी ठीक करवाना है, क्योंकि वो जो होल हो गया था आग लगने की वजह से लास्ट रोड ट्रिप पे, तो भाई उसको भी रिपेयर करवाना है। रिपेयर करवाते हैं, देखते हैं, अगर रिपेयर नहीं हो पाएगा पहले कोशिश करेंगे कि रिपेयर हो जाएगा, रिपेयर नहीं हो पाता तो भाई फिर चेंज ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलते हैं बिना किसी देरी के और गैराज पर मिलते हैं सीधे रवि भाई के। तो भाई गैराज पहुंच चुके हैं और पुष्पा इधर खड़ी है, पार्क कर दिए, रवि भाई हैं अंदर, चलते हैं अंदर की साइड। इधर सर्विसिंग वगैरह चल रही है बुलेट वगैरह की, तो फिर रवि भाई क्या ले भाई, कुछ नहीं हो रहा भाई, एक काम था बोलो, सैडल से रवाने ड्यूक वाले लग गए उसमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे हमें, शायद वेल्ड वगैरह भी करनी पड़ी, कोई पट्टी भी लगानी पड़ी, देखते हैं। तो भाई इधर फैसल भाई भी आ गए हैं और इधर ज़ुबैर भाई भी आ गए हैं, और ऑल टाइम फेवरेट फैंटा भी आ गई हमारी, और ये 4 दिन से इसी ब्लैक शर्ट में, इसके पीछे का रीज़न बताओ फैजल भाई। भाई इसका बहुत बड़ा रीज़न है, बताओ कैमरे के आगे कुछ नहीं बोला जाता, मैं बताता हूँ इसका रीज़न। तो भाई इस ब्लैक शर्ट का रीज़न है, ये भाई मिलने गए थे किसी से और उनकी महक अब तक इस शर्ट में, जब तक नहीं जाएगी जब तक ये शर्ट नहीं उतारेंगे अपनी, ये ब्लैक चेहरे वो साइड जो के थे हमारी ड्यूक 390 के, और काफ़ी ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा इसमें हमें। तो अभी देख रहे हैं कि कैसे किस हिसाब से इसको लगाया जाए, क्योंकि इसका एग्जॉस्ट भी जो है वो वहीं है नीचे, उससे थोड़ा अटैक लगाना पड़ेगा हमें ताकि सैडल बैग जले ना हमारी पहले की तरह। इस वाले पार्ट को बैंड करके थोड़ा सा अंदर की साइड करना है ताकि वो उस पर लग सके, क्योंकि इसकी फिटिंग है ड्यूक 390 वाली, और ये भी बनाई थी, ये भी ड्यूक 390 वाली थी नहीं उस टाइम। तो भाई इसको भी गर्म करके और उसको भी गर्म करके फिटिंग तो बना दी है उसकी, देख ही लिया होगा आपने जैसे कि वीडियो में पीछे, तो ये अब कुछ ऐसा सा लगेगा इस टाइप से, ये फुटरेस के पीछे आ जाएगी याली पत्ती, और ऊपर की साइड से हमें भी फिटिंग करवानी पड़ेगी, बनवाना पड़ेगा वो जाकर। पहले इसको यहीं पे फिटिंग करवा देते हैं दोनों साइड और फिर इसको लेके चलते हैं। तो भाई अभी इसके साइड के दोनों जो फुटरेस हैं पीछे वाले के वो लेके चलते हैं, और इसमें कुछ काम करवाना है, जो चूड़ी उड़ी है कुछ वो रवि भाई बता देंगे मुझे वहाँ पे, खैरात मतलब जहाँ पे लोहे वगैरह का वेल्डिंग वगैरह का ये सब काम होता है वहाँ लेके चलते हैं इसको, और करवा के लाते हैं जल्दी से और फिर इसकी फिटिंग करते हैं। पहले फुटरेस में लगवा रहे हैं चूड़ी, लगवा रहे हैं चूड़ी का सवार है जिसमें हम नट बोल्ट आराम से लगा पाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो बस दोनों साइड का ये करवाते हैं और फिर चलते हैं वापस गैराज। तो भाई भूख इतनी ज़्यादा लगने लगी कि हम रात समय रुक गए और ये फालूदा रबड़ी खा रहे हैं अभी, और चिली पटेटो हमारे उधर पैक हो रहे हैं। रवि भाई से सबर नहीं हुआ, इतनी ज़्यादा भूख लगने लगी भाई, भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी गर्मी जाम में, पीछे हम यहाँ ना NH24 से घंटा जाम लगता है यहाँ पे, तो सोच रहे फ्लेवर वगैरह बन जाए यहाँ पे बनवाए, यहाँ एमएलए साहब से बोलते हैं फ्लेवर बनवा रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा जाम लगता है, इतना जाम में गए हमें भूख प्यास सब लग गई। तो भाई यहाँ पे चिली पटेटो की पार्टी खत्म हो चुकी है, मन नहीं कर रहा भाई करने का, ऐसी बात मत करो यार, सारा दिन हो गया रवि भाई, ये मत करो फीलिंग उसको हमें पेंट भी मारना था, क्योंकि अगर हम ऐसे ही लगाते तो उसकी वेल्डिंग वगैरह अलग से दिखती, तो उसको पेंट वगैरह करते हैं आज, और कल तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे और फिर जाना भी था घर, बाइक यहीं थी हमारी, तो उसको पेंट वगैरह करते हैं और फिर उसकी फिटिंग करते हैं। तो भाई कुछ ऐसे से लेंगे, एक नट यहाँ पे लगेगा इधर की साइड और एक नट लगेगा यहाँ पे, इसके नीचे कुछ लगाना पड़ेगा ना, स्पेशल लगाएंगे ताकि नीचे दबके इस पे ये ना आए ना, टेल नीचे लगाएंगे। हाँ इसको थोड़ा सा उठा के लगा देंगे, फिर कुछ ऐसा सा लुक रहेगा इनका, पेंट वगैरह तो कर ही दीजिए, सूख दी गया सब आपने देख ही लिया, काफ़ी ज़बरदस्त लुक आने वाला है इसका। भाई जब पहले ड्यूक में लगाया था तो ये थंडरबर्ड में, कौन सी बाइक में लगा गया, थंडरबर्ड में
तब थंडरबर्ड से फिटिंग बनाई थी इसकी, आज गैराज में है तो आज इससे कर रहे हैं। तो भाई फाइनली लग चुके हैं साइड रजिस्टर, ये रहा, ये इधर लगाया है, इधर लगाया नट और पीछे ये लगा, ये रॉड तो काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है पीछे से और मज़बूत हो गया काफ़ी है, कहीं नहीं जाएगा। मेन क्या था, हमें इसे इसलिए लगाना होता है कि बैग अंदर टायर की साइड ना जाए, इस पर कोई लोड नहीं आना। जब आपके साइडल बैग में बदलोगे वो अपने आप नीचे मिल जाएंगे आपको, तो ये क्या करेगा इसको रोक लेगा, बाहर रखे गए बैग से। तो भाई तैयार है बाइक जाने के लिए रोड ट्रिप पे, और वो जल्दी पता चल जाएगा आपको कि कहाँ जा रहे हैं। जल्दी, वेरी सून, सून एज पॉसिबल इंग्लिश।